फिर बताएगा 3 यूनिक आपको वेरिएंट देखने के लिए मिलेंगे लोन के। इसके अलावा लोन आप 40 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। टर्नओवर आपको 90 फुल नेम देना जो आपके पैन कार्ड में है। फिर इसका ऑटो फाइल डिटेल वाले ऑप्शन मिलते जो कि ऑप्शनल फ्रेंड, अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो अपना जेंडर को इसे सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा बोला डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या फ्रेंड, उसे आपको सबसे पहले अपनी कंपनी का नाम डालना है जिस भी कंपनी में आप वर्क करते हैं। तो मैं अपनी कंपनी का नाम डाल देता हूं, तो इसलिए होगा जहां से आपको इसे सिंपली 3 स्टेप में बताया जा रहा है जो आपके इस बैंक लोन है सक्सेसफुली यहां से अकाउंट को ऐड कर दिया गया। फिर बोला जा रहा है वी आर रिकॉर्डिंग द 0 सेकंड, प्लीज डू नॉट रिफ्रेंड। लोन लेते समय बेसिकली आपको फ्रेंड कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ता है आपको उसमें इंटरेस्ट रेट कितना कंपनी को आपको पेमेंट करना पड़ा। दूसरी चीज़ ये फ्रेंड कि आपको उसमें से कितने परसेंट का प्रोसेसिंग चार्ज ले रहा है। और तीसरी चीज़ जो आपको यहाँ से देखनी पड़ती है फ्रेंड कितना अमाउंट का लोन मिल रहा है। और चौथी चीज़ आपको यहाँ से देखना पड़ता है सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड ये कितने समय के लिए लोन दे रहा है। इसके साथ अगर आप मान लीजिए कोई बाउंस होती है जो कि ईएमआई, उसमें आपको कितना एक्स्ट्रा ये पेनल्टी लगेगा, ये सारी चीज़ आपको चेकआउट करके ही लोन लेना रहता है। अगर फ्रेंड ये सही सारी चीज़ आपको मिलेंगी उसमें आपको दो ही तरीका, पहला आप तो बैंक से जाकर लोन लीजिए, दूसरा फ्रेंड आप किसी आरबीआई जो कि एनपीएफसी से ट्रस्टेड कंपनी जहां से आपको लिंक है वहां से आपको लोन के लिए आवेदन करना है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इस वीडियो में हम जानेंगे फ्रेंड आप कैसे आरबीआई से जो रजिस्टर्ड कंपनी है जहां से आप लोन के लिए आवेदन करना चाहते आवेदन कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा फ्रेंड अगर आपको लोन की सख्त जरूरत आप बैंक विजिट करिए जिस भी आपका बैंक में अकाउंट है फिर जहां से आपको लोन मिल रहा हो, क्योंकि बैंक में आपको एक अच्छा अमाउंट लोन मिल जाएगा और कम परसेंट इंटरेस्ट रेट भी लगेगा एज ए कंपेयर टू जितनी भी आपको ये प्राइवेट कंपनियां लोन प्रोवाइड करवाती हैं। अगर आपको से बैंक नहीं लोन दे पाती फिर तब भी आप किसी आरबीआई रजिस्टर्ड कंपनी के बारे में लोन से आवेदन करेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे फिर बजाज फिंजर्स के बारे में, जिसका मैं ए टू जेड प्रोसेस दिखाऊंगा वहां से आप लोन के लिए आवेदन कैसे करेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, जैसे फ्रेंड आप उस लिंक पे आएंगे तो आपको सिंपली करना क्या है साइड में देखते चलना, इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा जहां से आपको देख सकते हैं बताया जा रहा है अगर आप लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहां से 40 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। लेकिन बताया गया कि मिनिमम अगर आपकी सैलरी 25,001 रुपये है पर मंथ के बेस हिसाब से तभी आप इस लोन के लिए आवेदन करें और यहीं से आप लोन भी ले सकते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है फ्रेंड, हम इसको बारे में देखने वाले हैं जहां से आपको 40 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। उसके पहले इसके बारे में जानते हैं। फिर बताया गया 3 यूनिक आपको वेरिएंट देखने के लिए मिलेंगे लोन के। इसके अलावा लोन आप 40 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। टर्नओवर आपको 96 मंथ का मिलेगा फ्रेंड, उसे देख सकते हैं। इसके अलावा बताया गया नो गारंटेड, नो हिडन चार्जेस एंड ऑफर्स रहेगा। 3 तरीके के लोन मिलते हैं जो कि हम आगे भी देखेंगे। पहला है फ्रेंड फ्लेक्सी टर्म लोन, इन सभी लोन्स के बारे में डिटेल में जानेंगे फ्रेंड। और दूसरा आपको ये देखेंगे जिनमें यूनिक वेरिएंट मिल जाता है, पार्ट ऑफ लोन आपको 40 लाख रुपए तक का मिल जाता है, कन्वर्सन टर्नर मिल जाता है, ईएमआई आप यहीं से कैलकुलेट करना चाहे तो ईएमआई आपको कैलकुलेटर का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आवेदन करने के लिए सिंपली इस देख सकते हैं एक ऑप्शन दे जाता है अप्लाई का, आपको सिंपली अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके नंबर में एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी डालकर आपको सक्सेसफुली वेरीफाई कर लेना है। फिर आपके सामने फ्रेंड कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो किया जाएगा जहां देख सकते बोला जा रहा है आपको अपना फुल नेम देना जो आपके पैन कार्ड में है। फिर इसका ऑटो फाइल डिटेल वाले ऑप्शन मिलते हैं जो कि ऑप्शनल फ्रेंड, अगर आप इसे क्लिक करेंगे जहां से बताया जा रहा है ऑटो फाइल बाजार जीत होगा तो हम उसे ओके करेंगे। या फिर बोला जा रहा है कंटिन्यू विद द ऑटो फिल, हम यहाँ सबसे पहले अपना नेम फुल नेम दे सकते हैं। तो जो भी आपका फुल नेम रहेगा फ्रेंड हम यहाँ से नाम देंगे, तो चलिए हम अपना यहीं से नेम फिल कर देता हूँ। जो भी आपके यहीं से नाम रहेगा नाम आपको अपना पूरा ही फिल करना है फ्रेंड। इसके अलावा आपको अपना सर नेम के सही फिल करना है, जो आपके पैन कार्ड में नाम रहेगा वही नाम आपको फिल करना है। कंटिन्यू टू विद ऑटो फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फिर तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा जहां से आपको इसकी डिटेल को फिल करना है। इस फॉर्म को कितने स्टेप आप कंप्लीट करेंगे उसके बारे में बताएगा, जहां पर्सनल डिटेल फिल करनी, इसके बाद आपको देख सकते हैं इसे एम्प्लॉय डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी जहां आप जॉब करते हैं। फिर देन फ्रेंड आपको बोला जाएगा आपको इसे इनकम प्रूफ वगैरह अपलोड करने के लिए तो वो चीज़ें फिल करनी है। तो सबसे पहले हम इसे फिल करेंगे जहां आपको जेंडर को सेलेक्ट करना है, अपने जेंडर को इसे सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा बोला डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है फ्रेंड उसे आप कैलेंडर से आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। देन पूछा रहा अपना परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी आपको अपना पैन कार्ड का नंबर फिल करने के लिए जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर रहेगा फ्रेंड उस पैन कार्ड के नंबर को आपको इसे फिल करेंगे। तो पैन कार्ड का नंबर भी आपको पूरा सही से ही फिल करना है। देन इसके बाद बोला जा रहा है कि सेलेक्ट यहीं से एम्प्लॉय टाइप, एम्प्लॉय टाइप क्या फ्रेंड उसको आपको सेलेक्ट करना है जहां से आपको दो ऑप्शन देखने के लिए, एक सैलरीड पर्सन है दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड है। आप सैलरीड पर्सन सैलरी पर्सन सेलेक्ट करेंगे, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेंगे, मेरे केस में सैलरीड पर्सन है तो मैं उसको सेलेक्ट करता हूं। बोला जा रहा है कि नेट आपकी सैलरी कितनी है फ्रेंड तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, तो अपनी आप यहीं से सैलरी फिल करेंगे आपकी सैलरी कितनी। बोला जा रहा है आपके पिन कोड क्या है तो अपने पिन कोड का फिर डालेंगे, जो भी आपके आधार कार्ड में पिन कोड रहेगा वही पिन कोड आपको ऐसे फिल करना है। इसके बाद फिर आपकी सिटी आ जाएगी, आपको इसकी टर्मों को एक्सेप्ट कर लेना है। तो टर्म एक्सेप्ट करने के बाद फिर आपको सिंपली देख सकते हैं नीचे कंटिन्यू को ऑप्शन मिलता है, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
अब जैसे फ्रेंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा वेट करना है, फिर आपके पास एम्प्लॉय टाइप्स आ जाएगा जहाँ से एम्प्लॉय की आपको डिटेल फिल करनी है। एम्प्लॉय डिटेल में फ्रेंड आपको सबसे पहले अपनी कंपनी का नाम डालना है, जिस भी कंपनी में आप वर्क करते हैं। तो मैं अपनी कंपनी का नाम डाल देता हूँ, तो यहीं से आप कंपनी का नाम फिल करने के बाद इसके अलावा कंपनी टाइप क्या है, किस टाइप की कंपनी है, वो चीज़ें आपको यहीं से फिल करनी। आप देख सकते हैं आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिनमें सबसे पहला आपको ऑप्शन दे रहा है गवर्नमेंट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, अदर है। अदर है फिर तो आपको अदर वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे एंड जॉब प्रोफाइल क्या है उसको फिल करेंगे। जॉब प्रोफाइल जो भी आपकी रहेगी फ्रेंड उसको फिल करना है, तो हम यहीं से फिल कर देते हैं। इसके बाद फिर बोला जा रहा है कि आपकी यहाँ से जो वर्क ईमेल आईडी उसको अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, यहीं फ्रेंड ऑप्शन, अगर आप नहीं देना चाहें तो नहीं देंगे। फिर पूछा जा रहा है टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है फ्रेंड, तो मैं यहाँ से जो भी आपकी वर्क एक्सपीरियंस है उसे फिल करेंगे। फिर यहीं से बोला जा रहा है टोटल, यहीं से बोला लोन ईएमआई कितनी रहेगी, आपको टोटल लोन ईएमआई कितना पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप अपनी लोन ईएमआई को आप यहीं से फिल करेंगे, देख सकते हैं। इसके अलावा ये सारी जानकारी फिल करेंगे। फिर देन आपको सिंपली आपको नीचे ऑप्शन दिया जाता है जहाँ देख सकते हैं कंटिन्यू का, आपको सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड आपको थोड़ा सा वेट कर लेना, फिर आपको वेरीफाई करेगा, यहाँ से बोला जा रहा है अकाउंट वेरिफिकेशन इन प्रोसेस, आपको अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। तो आपके इनकम वेरिफिकेशन के लिए होगा, जहाँ से आपको इसे सिंपली तीन स्टेप में फिल करना है, जिनमें देख सकते हैं सबसे पहला स्टेप आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा बैंक को, फिर आपको जो बैंक साथ मोबाइल नंबर लिंक उसमें कोटिफिकेशन किया जाएगा, फिर बोला जाएगा शेयर कंसर्न फाइल द अकाउंट डिटेल को उसके बारे में फिल करेंगे, ये आपके जो है स्टेटमेंट उसे लेंगे। इसके अलावा फिर आपकी यहीं से सैलरी को कन्फर्म करेंगे, फिर देन आपके लोन के प्रोवाइड करेंगे। अब आपको किस बैंक में अकाउंट है उसको सेलेक्ट करना है, जो भी बैंक रहेगा, अगर नहीं दिख रहा तो आप यहीं से बैंक का नाम आप टाइप कर सकते हैं। तो मेरा ये जैसे कि अकाउंट जिस बैंक में मैंने उसको सेलेक्ट किया, एंड गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, टर्म को कंसर्न देंगे, फिर जहां से आप देख सकते हैं इस टर्म को आपको एक्सेप्ट करना है, अगर नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो ये ओटीपी नहीं जाएगी। एक्सेप्ट करने के बाद फिर आपको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो भी आपके अकाउंट का मोबाइल नंबर लिख रहेगा उसमें एक ओटीपी सेंड की जाएगी, ओटीपी डाल के आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद देखिए आपको दो ओटीपी फिल करनी पड़ेगी, एक आपको अकाउंट वेरीफाई करने के लिए, दूसरा स्टेटमेंट की परमिशन मांगे, तो फिर स्टेटमेंट परमिशन देना है। मैंने दोनों ओटीपी को फिल किया हुआ, फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, जहाँ से देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार से कंसर्न आएगा, तो आपको इस कंसर्न को एक्सेप्ट करना है एंड गिव कंसर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे गिव कंसर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक कंसर्न आपको सही छूट गया, फिर आपको इसको सेलेक्ट करेंगे एंड गिव कंसर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो ये स्टेटमेंट आपको चेक करते हैं आपके लोन के लिए। फिर आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, फिर आपके सामने फ्रेंड को जितना भी लोन को अमाउंट आपको रहेगा उसके पर अप्रूव हो जाएगा, यहीं से रिटेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कंसर्न के लिए, बैंक को सेलेक्ट करेंगे फ्रेंड, फिर से वही प्रोसेस करना है। अब इसके बाद हम चलिए हम जानते हैं अगर आपको लोन अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आप लोन के लिए आवेदन कैसे करेंगे। फ्रेंड हम देखते हैं जैसे अगर आपका लोन अप्रूव होगा तो उस लोन के लिए आवेदन कैसे करेंगे। तो बजाज से अगर आपका लोन अप्रूव होता है तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ से आपको ये बिजनेस लोन मिलता है, आपको यहाँ से अमाउंट बड़ा मिल सकता है 10 लाख रुपए तक का यहाँ से लोन हमें मिल सकता है। अब आपको लोन के तीन ऑप्शन देते हैं, फ्लेक्सिंग आपको लोन मिलता है, फ्लेक्स लोन मिलता है आपको फ्रेंड, इसके अलावा टर्म लोन मिलता है। टर्म लोन में आपको पूरा अमाउंट मिलेगा जिसमें आप ईएमआई को करेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर यहीं से जो आपको फ्लेक्सिव लोन मिलता है इस लोन में आप अपनी ईएमआई को अपने अनुसार करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ईएमआई की डिटेल भी बताएगी, जहां से आप चेकआउट करना चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। देन फिर ये सारी चीज़ चेक करने के बाद आपको सिंपली सीधे प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने केवाईसी करने के लिए बोलेगा, तो जहाँ से देखेंगे आपको ऑप्शन मिलता है गेट यहाँ से डन केवाईसी डिजी लॉकर, तो आप डिजी लॉकर द्वारा केवाईसी कर सकते हो, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। इसके बाद फिर अपना आधार कार्ड का ऐसा नंबर फिल करना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपके आधार कार्ड का जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड उस नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी आपको यहाँ से फिल करना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने आपके पूरी डिटेल ऑप्शन ओपन किया, जो केवाईसी संबंधी सारी डिटेल जो आधार कार्ड से ये पूरा डिडक्ट करेगा, वो आपको जानकारी चेक करनी है, नीचे आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। देन आपके सामने फ्रेंड कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो गया है, जहाँ से बोला जाएगा अपने पासबुक की डिटेल फिल करनी है, जहाँ सबसे पहले अपने अकाउंट होल्डर्स नेम आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, आईएफएससी कोड आप यहाँ से टाइप करना है, जो भी आपके एरिया का आईएफएससी कोड, जो भी बैंक का आईएफएससी कोड उसे डालेंगे, एंड अकाउंट नंबर को आपको फिल करना है और अपने अकाउंट के टाइप को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। ये सारी जानकारी फिल करने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड करना है। अब यहाँ पर जैसे अपने बैंक को आप यहीं से नाम से डालेंगे, अभी जो बैंक आपका नाम रहेगा वो नाम डालेंगे, बैंक के नाम को सेलेक्ट करेंगे एंड प्रोसीड करेंगे। देन फ्रेंड यहीं से देख सकते हैं बताया जा रहा है जो आपके यहीं से बैंक लोन है जो सक्सेसफुली यहाँ से अकाउंट को ऐड कर दिया गया। फिर बोला जा रहा है वी आर रिकॉर्डिंग द 0 सेकंड, प्लीज़ डू नॉट रिफ्रेंड, आपको इसे रिफ्रेंड नहीं करना है, जो भी आपके इसे सक्सेसफुली लिंक कर दिया गया है। इसके बाद देखेंगे तो हमने तीनों चरण को कंप्लीट कर लिया, जहां सबसे पहले आपकी केवाईसी से देखने के लिए मिलेगी वो कंप्लीट हो चुकी है, बैंक के जो डिटेल अपडेट करने के लिए वो अपडेट कर चुके हैं, एंड कंप्लीट आपकी इनकम वेरिफिकेशन जो कि हमने पहले से कंप्लीट करके रखा हुआ है। फिर आपको नीचे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद अगर आप इस लोन को चेक करना चाहते हैं तो आपको सिंपली जैसे कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहीं से एक ऑप्शन दिया जाता है फिर जहाँ लिखा गया प्री अप्रूव ऑफर का, आपको सिंपली प्री अप्रूव वाले ऑफर पे क्लिक करना है।
देन फ्रेंड आपके सामने इस प्रकार से डिटेल मिल जाएगी जहां से आप इस तरह से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसे लिख मिल जाएगा अगर आपने गलती से अप्लाई कर दिया है तो आप इस लोन को अगर रिमूव करना चाहें तो इसे रिमूव भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करेंगे आपका लोन को जो रिक्वेस्ट है सक्सेसफुली लगा दी गई। फ्रेंड आपने वीडियो को लास्ट तक देखा आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्राइबर्स हमारा मोटिवेशन बढ़ता है फ्रेंड, जहां से आपके लिए मल्टीपल टॉपिक और रिसर्च करके और नए नए टॉपिक्स पर आपको लोन से वीडियो लेके आते रहेंगे। तो इसी तरह फ्रेंड अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा, उनको भी लिंक के लोन यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत जल्द लूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।